तो ये है मध्य गंगा बैराज बिजनौर। जय सिया राम। ये रहे बाबा के दर्शन। तो गाइस हम निकल चुके हैं सिद्धौली के लिए पूरी फैमिली के साथ, मौसी, मैं, भाई, मम्मी वगैरह। और ये रही गाड़ी हमारी, इसमें जा रहे हैं सब। ये रही मौसी, मम्मी, बहन। ये रही मौसी, ये रही मम्मी। 100-150 किलोमीटर है बस, हम कार में बैठे हैं सब। मेरा भाई कन्नू, जो हमारा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, खच्चर। तो ये है मध्य गंगा बैराज बिजनौर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कोटद्वार सिद्धौली। तो अभी फिलहाल हम बैराज के पुल पर रुके हैं, बहुत बड़ा डैम है ये। वहाँ कैसे कैसे जाना है, हम जा रहे हैं मेरठ से कोटद्वार सिद्धौली, जो मतलब अराउंड 120-130 किलोमीटर बैठता है। और यहाँ से हम जाएंगे कोटद्वार बिजनौर से होते हुए, फिर उसके बाद कोटद्वार से 3 किलोमीटर दूर है हमारा सिद्धौली बाबा का मंदिर। तो गाइस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा और वो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। वहाँ से पानी आ रही है, ये गंगा जी का पानी है। ये रहा डैम, देखो यहाँ पे पानी साफ होता कितना कूड़ा, सारा पानी रुकता है, गंदगी रुकती है, फिर आगे पानी जाता है। ये रहा इधर साफ पानी, और इधर तो बता कन्नू क्या हाल है, कुछ बताओ भाई इस जगह के बारे में। हैं भाई कन्नू, पता नहीं हैं? तो गाइस अब हम डायरेक्ट यहाँ से कोटद्वार रुकेंगे, 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद हम अपना वापस आएंगे शाम तक हरिद्वार होते हुए। तो फाइनली गाइस हम सिद्धौली धाम आ चुके हैं कोटद्वार। तो ये रहा मंदिर, इस जीने से ऊपर जाना है, ऊपर मंदिर है। और यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं, जैसे कि जो भी चीज़ आप मांगते हो वो पूरी हो जाती है, दिल से मांगने पड़ते हैं, सच्चे मन से। मेरी मम्मी खुश हो रही है, पहाड़ों में थोड़ा सा आई है। गाइस हमने अब गाड़ी पार्किंग कर दी है, सिर्फ 20 रुपये में यहाँ गाड़ी पार्क हो जाती है, 20 रुपये में मात्र। और ये रहा हमारे करण भाई, और ज़्यादा महंगी पार्किंग भी नहीं है, आप लोग आओ तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो। ऊपर मंदिर है, 20 रुपये में मात्र गाड़ी पार्क हो जाती है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा। ये एक धर्मशाला, सिर्फ एक ही धर्मशाला है यहाँ, फिर उसके ऊपर सामने ही मंदिर है। जय सिया राम। क्यों खड़े हो यहीं, क्यों खड़े हो तुम टोस्टी? मेरी मौसी, हाय गाइस, हैं हेलो। मैं बनाने शुरू कर, मैं कर ध्यान नहीं। क्या तू तो पहली बार आई है? फर्स्ट टाइम। ये रही मम्मी। तो गाइस ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर चढ़ के मंदिर है। जय बजरंग। तो गाइस अब ऊपर जा रहे हैं मंदिर में बाबा के दर्शन करने, तो आपको भी कराऊंगा, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, आगे तक बने रहिएगा। मौसी बस थोड़ा चल के थक गई, मम्मी भी थोस्टी। सबके सब मतलब जो प्रसाद होता है इसके अंदर नारियल होता है, उसको फोड़ के जो ऊपर जाते हैं। ये री एंट्री। जय बजरंगबली। सब दर्शन होने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप व्लॉग में पूरा बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक। हम ऊपर जा रहे हैं अब धीरे धीरे। ये रहा मंदिर। जय बजरंगबली, जय सिया राम। फाइनली गाइस पहुंच गए हम
जेरा फाइनली राइज मंदिर हम पहुंच गए हैं। भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, कहते हैं सैटरडे संडे और ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, अब भीड़ कम है। ये रही टोस्टे खुश हो रही है, जय श्री राम। प्रसाद चला दिया, ये रहे बाबा के दर्शन, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम, ये दर्शन हो गए हैं। गर्मी बहुत है आज, मतलब सही है, ठीक ठाक मौसम है, ज़्यादा नहीं है। एक फैमिली फोटो। तो गाइस, ये रहा बाबा का मंदिर, इसके मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो वो पूरा ज़रूर होता है। और ऐसे ही मेरे को भी जो मांगना था मैंने मांग लिया। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार भंडारा की यहाँ पे करा सकते हैं। और मतलब मैंने अभी सुना था कि अगले 2025 तक यहाँ पर सारी रजिस्ट्रेशन बुकिंग फुल है भंडारे की। तो मतलब अगर आपको कराना है तो वेट करना पड़ेगा 2 साल कम से कम, जब जाके आपका नंबर आएगा, जब जाके आप यहाँ पे भंडारा करा पाएंगे। भीड़ कम है, संडे को और ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। ये रहा करण, यहाँ पे भी फ़ोन पे लग रहा है। तो गाइस, भंडारा मिल गया हम सबको, मैंने आपको जैसे बताया था 2025 तक बुकिंग है भंडारे की, तो रोज़ चलता है। अब लगा लो 2025 तक कितनी बुकिंग होगी, हर रोज़ यहाँ भंडारा चलता है, रोज़ 2025 तक बुकिंग है गाइस यहाँ भंडारे की, रोज़ भंडारा चलता है, सब खाते हैं अपनी श्रद्धा से, और जो भी जो मांगते हैं तो पूरी हो जाती है मांग। आप लोग ज़रूर आइए तो भंडारा ज़रूर खाइएगा। हमने दर्शन तो कर लिए हैं, बहुत जल्दी दर्शन हो गए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार, 50-60 किलोमीटर है। हरिद्वार में माँ गंगा के मतलब दर्शन करके वहाँ पे नहाकर फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। व्लॉग में बने रहिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। फाइनली गाइस, हमारे द्वार में आ गए हैं, हमने कार पार्किंग पे लगा दी थी, अब हम जा रहे हैं गंगा मैया की तरफ। फाइनली गाइस, हरिद्वार। तो कैसे नहाना क्या रहे हैं भैया, हमें तो डर लगता है, इन्हें डर नहीं लगता यार, हमें तो डर लगे भैया। गंगा मैया का पूरा पानी भर के चल रहा है, पूरा इतना, बहुत तेज बहाव है। जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। चलो जय शिव शंभु। तो मैं कन्या गंगा जी में नहा के आ चुका हूँ, तो कितनी भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। जय बाबा। संग भोड़े, सब नान धो के बैठे हम, गंगा जी में नहा लेते हम पहले, बहुत भीड़ है आज। जय माँ गंगे। तो भाइयों देखो, तो भाई सब जल लेके यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कितना ये मतलब उठा सकते हैं उस हिसाब से बोलकर जल उठाते हैं, फिर अपने वहीं पे मंदिर में जाके चढ़ाते हैं। हम जा रहे हैं वापस घर। कैसे बह बह के जा रहे हैं लोग, तैर रहे हैं। क्या ले रहा है? जब हम वापस घर जा रहे हैं, पूरा व्लॉग देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
मम्मी का फास्ट है तो मम्मी अपने लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स ले रही हैं, तो भूख लग रही है। ये पहाड़ी अमरूद तेरी राशि, कुछ कहना चाहेगी तो ब्लॉग में? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताना। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस अब हमारे द्वार से निकल रहे हैं, अब यहाँ से अब हम घर जा रहे हैं। ये रही हमारी गाड़ी, मम्मी का व्रत, हम थोड़ा सा कुछ खा रही हैं, अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। तो आपने कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर देख के बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी कुल्लड़ चाय पीने रुके हैं, कुल्लड़ मस्ती। यहाँ पर हम पिछले बार जब बद्रीनाथ जा रहे थे, जब भी रुके थे, जब बद्रीनाथ से वापस आए थे रात में, जब भी रुके थे, पर हमें बंद मिला था, तो फाइनली आज खुला हुआ है। चलते हैं, देखिएगा इस अंदर। दो बार आए थे, दोनों बार बंद मिला था, तीसरी बार आए, आज खुला हुआ है। खुश हो रही है राशि, कुल्लड़ चाय पी गया। सुना है बहुत फेमस है, इस वजह से मेरा भाई आते जाते हैं। मोसे में पराठे बेल लिए हैं, शुरू हो गए। यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इस ढाबे की, इन्होंने सारे हर किसी के बारे में और फोटो वोटो लगा रखी हैं। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरा आपने पूरा व्लॉग देख के यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो